एक गुरु का एक शिष्य मानसिक रूप में से बहुत कमज़ोर था। वह एक ही बात को बार बार सोचता रहता। वह अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता और कल्पना करता रहता कि काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। अपने ज़्यादा सोचने की वजह से वह किसी भी काम को मन लगा के नहीं कर पाता था। उसे आश्रम में रह रहे अन्य शिष्यों से भी बहुत शिकायत थी। वह अक्सर गुरु से शिकायत करता रहता था कि मुझे इस शिष्य ने यह कह दिया, उस शिष्य ने मेरे साथ वो कर दिया। लोगों के साथ साथ उसे अपने आसपास की हर चीज़ से शिकायत थी और उसमें कमी नज़र आती थी। वह अक्सर शिकायत करता रहता कि आज इतनी गर्मी क्यों है, फिर आज इतनी ठंड क्यों है, या इतनी बारिश क्यों हो रही है। उसे हर चीज़ से परेशानी रहती थी। जब भी उसके सामने कोई समस्या आती तो वो अपनी कमज़ोर मानसिकता की वजह से वो अपनी किस्मत को कोसने लग जाता था और कहता, पता नहीं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर कोई उसे कुछ कह देता, अच्छा या बुरा, तो वह अगले कुछ दिनों तक उसी बात के बारे में सोचता रहता था। वह कई बार लोगों को खुश करने का प्रयास करता और उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए उनके ऐसे कामों को भी हाँ बोल देता जिसे करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता था, और फिर बाद में बैठकर पछताता रहता था कि मैंने उसे हाँ क्यों बोल दिया। इसके साथ ही वह अंदर से ईर्ष्यालु भी था। उसे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या होती थी और उनकी असफलता पर अंदर ही अंदर खुश होता था। उसे लगता था कि कोई भी उसका भला नहीं चाहता, सब उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सब स्वार्थी है। इसीलिए वह हर चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोचता था और ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क रहता था। इसी तरह की कई और मानसिक विकृतियाँ उसके अंदर थी जिसकी वजह से वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अशांत और परेशान था और अपने भविष्य को लेकर हर समय डरा हुआ और चिंतित रहता था। गुरु को इस कमज़ोर मानसिक अवस्था के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन गुरु कुछ बोल नहीं रहे थे। वह इंतज़ार कर रहे थे उस दिन का जिस दिन शिष्य को खुद अपनी इस कमज़ोर मानसिक स्थिति का आभास हो और वह गुरु से इस विषय में समाधान पूछने आए। और बहुत ही जल्द वह दिन भी आ गया जिसका गुरु को इंतज़ार था। एक शाम जब गुरु आश्रम के एक चबूतरे पर अकेले बैठे हुए थे, तब वह शिष्य गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम कर उनके समक्ष बैठ गया। वह बोला, गुरुदेव मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु ने आंखों के इशारे से उसे अपनी बात कहने की इजाज़त दी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रहता हूँ, मुझे अपने भविष्य की चिंता बहुत सताती है, एक अनजान सा डर मुझे लगातार सताता रहता है जिस वजह से मैं अपने वर्तमान का कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। हे गुरुदेव इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस शिष्य की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर थोड़ा गंभीर होकर कहना शुरू किया, तुम्हारी सारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तुम्हारे मानसिक रूप से कमज़ोर होना है। इंसान अपने मानसिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से 90% से ज़्यादातर दर्द महसूस करता है, जबकि बाहर इतना दर्द होता नहीं है। मानसिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से कई समझदार, होशियार, बुद्धिमान लोग भी पीछे रह जाते हैं। मानसिक मजबूती ना होने की वजह से वह बेवजह की बातों में उलझे रह जाते हैं और रोते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब यह है कि तुम अपने जीवन में कुछ भी करते हो, स्वास्थ्य से संबंधित, सफलता से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, समाज से संबंधित कुछ भी करते हो, तो उसका निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लेते हो, यानी उस परिस्थिति में मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होते हो, बल्कि जो तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सही है, उसके आधार पर ही निर्णय लेते हो, तब तुम मानसिक रूप से मजबूत हो। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते हैं, लेकिन ऐसी बुरी आदतों की तरफ ध्यान नहीं देते जो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर नहीं पाते हैं।
और फिर इसके लिए वो अपनी खुद की किस्मत या फिर दूसरों को दोष देने लगते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं भी मानसिक रूप से मजबूर बनना चाहता हूँ, आप मुझे मानसिक रूप से मजबूर बनने के नियम बताइए। गुरु ने कहा, आज मैं तुम्हें 13 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। अगर तुम भी इन गलतियों को आज से करना बंद कर दो तो तुम भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाओगे। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली गलती यह है कि मानसिक रूप से कमज़ोर लोग, मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को बेचारा महसूस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। बुरा समय किसी का भी आ सकता है, चाहे वो किसी बीमारी के रूप में आए या फिर किसी दुर्घटना के रूप में, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते ये हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर मानसिक रूप से मजबूत व्यापारी का धंधा चौपट हो जाए तो वे ये नहीं सोचता कि मैं ईमानदार आदमी था, मेरे साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, या मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। जो लोग उम्मीद करते हैं कि उनके साथ हमेशा सही होगा, वो लोग अपनी ज़िंदगी में गुस्सा और तनाव भर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किस्मत ने उनके साथ धोखा किया। चाहे तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो या तुमने अपनी ज़िंदगी में बाकियों से ज़्यादा दुख झेले हो, फिर भी इस बात की कोई निश्चिंता नहीं है कि तुम्हारे साथ हमेशा सब अच्छा होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जैसे सवालों से मानसिक रूप से मजबूत लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इसमें किस्मत के प्रति शिकायत छुपी है। वे अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो काबिल और मेहनती है फिर भी मुश्किल भरी ज़िंदगी जीते हैं। कई मासूम लोग भी हैं जो युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए, कई होशियार बच्चे हैं जिन्हें कभी किताब नसीब नहीं होती। जब मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा सोचते हैं तो वो अपनी शिकायतें छोड़कर सोचने लगते हैं कि हम अपनी तरफ से इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए क्या कर सकते हैं। इनमें सेवा और मदद का गुण होता है, ये हमेशा अपने आसपास, अपने परिवार या समाज की मदद में लगे होते हैं, जिस कारण से वे खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। दूसरी गलती जो कि मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते वो ये है कि ये लोग अपने ज़िंदगी की दौड़, अपने जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते हैं। ये इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर चाहो तो चुनाव अपने ही हाथ में है, कोई भी नहीं रोक रहा सिवाय कुछ डर और भावनाओं के, जिनकी वजह से लोग दूसरों के नियंत्रण में हो जाते हैं या फिर किसी दूसरे की सोच को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते हैं, और फिर किसी दूसरे से कभी नहीं बोलते ये व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है या फिर उसने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कराया है, क्योंकि इसे सामने वाले को भी ये लगता है कि इस व्यक्ति को दूसरे लोग ही नियंत्रित करते हैं। ये लोग इस बात पर विश्वास करते हैं चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए वो कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है। तीसरी गलती जो ये लोग नहीं करते हैं वो ये है कि ये लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो लोग समझते हैं कि उस इंसान ने मेहनत की है, उसने बहुत संघर्ष किया है, तब जाके उसे ये सफलता मिली है। अगर मैं उतनी मेहनत करता और यदि और कोई भी करता तो उसे भी यह कामयाबी मिल सकती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता को सच्ची प्रशंसा और सम्मान देते हैं। वो जानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, इसलिए वो जलने और कमी निकालने की बजाय अपनी ऊर्जा खुद को सफल बनाने में करते हैं और वो दूसरे सफल लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथी गलती कि ये लोग अपनी ऊर्जा वहाँ बर्बाद नहीं करते जिन चीज़ों को ये नहीं बदल सकते। मानसिक रूप से बड़े ही मजबूत लोगों से ये बात बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलेगी कि ये मौसम ऐसा क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, ये समाज ऐसा क्यों है। वो सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जिनको वो बदल सकते हैं। पाँचवीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से नहीं डरते। कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं, जीवन में उन्हें हर एक चीज़ में सफलता चाहिए, नौकरी में, जीवन में, हर एक जगह पे कुछ भी नया शुरू नहीं करते। वो इसी से डरते हैं कि उनके पास जो है वो भी ना चला जाए, और ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये लोग भावनात्मक रूप से किसी भी चीज़ से, किसी भी जगह से, किसी भी इंसान से इतनी बुरी तरह से नहीं जुड़ते हैं कि बाद में उनसे दूर जाने के बाद इन्हें बड़ी परेशानी देखने को मिले। छठी चीज़ कि ये लोग दूसरे को ज़्यादा खुश करने की
कोशिश नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये मानते हैं कि उन्हें बार बार दूसरे लोग को बार बनाने के लिए उन्हें सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब लोग इनके किसी काम को करने से मना करते हैं तब ये लोग खुद उस काम को करके सीखते हैं, जहाँ जरूरी है वहाँ ना बोलते हैं। अगर तुम्हारी समझ कहती है कि उसे ना बोलना जरूरी है तुम्हारे लिए भी और जो सामने वाला है उसके लिए भी, तो फिर ना बोलना सही है। मानसिक रूप से मजबूत लोगों को पता होता है कि उन्हें कहाँ अपना समय देना है, कौन सी बातचीत का हिस्सा बनना है, कौन से काम का हिस्सा बनना है और कहाँ ना बोलना है। ये सब उन्हें ठीक से पता होता है। इन्हें अपनी सीमाएं पता होती है। ये लोग पछतावा नहीं करते कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। इन लोगों का सीधा जवाब होता है ये करना है कि नहीं करना है। मानसिक रूप से मजबूत लोग ना इस तरह से कहते हैं कि सामने वाले को बुरा महसूस भी नहीं होता, जो कि एक प्रभावशाली बातचीत का हिस्सा। सातवीं चीज, मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, वो चुनौतियों से डर के नहीं भागते। एक चीज़ निश्चित है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे अगर चुनौतियों का सामना नहीं करोगे। लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमारी समझ को ढक लेती है। जो चीज़ हमें डरावनी लगती है हम वहाँ छोटा सा भी जोखिम नहीं लेते हैं, लेकिन जहाँ हम उत्साहित होते हैं वहाँ हम बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम ले लेते हैं। लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता। पहले वो पता करता है कि इस जोखिम को लेने के बाद बुरा से बुरा क्या हो, क्या मैं उसका सामना करने में सक्षम हूँ, और अगर अच्छे परिणाम आए उसके बाद का अगला कदम क्या हो। वो पागलों की तरह जोखिम नहीं उठाता बल्कि अच्छे से सोच समझ कर ही खतरा लेता है, कदम लेता है। आठवीं चीज़, ये लोग एक ही गलती बार बार नहीं करते। सबसे पहली बात कि एक ही गलती बार बार वही लोग करते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और उससे कुछ सीखते नहीं हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग मानते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, और वो इससे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और उसे दोबारा नहीं करते। नौवीं चीज़, मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को लेकर रोते नहीं हैं। अपने अतीत से कुछ सीखा जाए तो ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। लेकिन हर समय अपने अतीत के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना और हर समय यह सोचते रहना कि कुछ बेहतर हो सकता था या फिर कुछ खुशी के पलों को याद करके खुश होना, ये सब हमें वर्तमान में जीने से और भविष्य में योजना बनाने से रोक रहा है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को अपने भविष्य से छेड़छाड़ करने नहीं देते। ये लोग काश को लेकर नहीं बैठते, काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा हो गया होता। ये लोग अतीत के पन्नों से अपने काम की चीज़ उठाकर अपने काम पर ध्यान देते हैं और मन लगाकर काम करते हैं। दसवीं चीज़, ये लोग पहली हार के बाद में रुकते नहीं है। ये हाथ धोकर पीछे पड़ने वालों में से है। ये इस बात को समझते हैं कि अगर कोई इंसान सफल हुआ है तो वो एक ही बार में नहीं हुआ है। अगर तुम एक ही बार में सफल हो गए तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगा। अगर तुम 10 बार गिरे तो तुम्हें पता चला कि यहाँ यहाँ गड्ढे हैं और तुम्हें पता है कि इस तरह से इन गड्ढों से बचा जा सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात को समझते हैं कि कामयाबी अक्सर लंबी नाकामियों के बाद मिलती है, असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है। ग्यारहवीं चीज़, मानसिक रूप से मजबूत लोग खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते कि ये मेरे साथ रहेगा, कि ये मेरे से अच्छे से बात करेगा, ये मेरी तारीफ करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। ये लोग दूसरों से जुड़ाव रखते हैं लेकिन अकेले में भी मस्त रहते। ये लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि ये दुनिया इनका ध्यान देगी। ये लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि लोग आकर उनका ध्यान दे, उनका भला सोचे, ये ज़रूरी नहीं है। कोई अगर ये ना सोचे तो ये परेशान नहीं होते हैं। सिर्फ मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों का ये कहना होता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ कोई अपना नहीं है, मेरा तो कोई साथ ही नहीं देता। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी खुशी को ढूंढता है, उसे दूसरों की परवाह नहीं होती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले होने से डरते नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले होने से डरते हैं, वो बार बार किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, दिमाग में जो आ रहा है उसे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी विचार जो बार बार दिमाग में, उससे तुम कुछ समय के लिए तो भाग सकते हो लेकिन कभी ना कभी तुम्हें उसके बारे में अच्छे से सोच कर समाधान निकालना ही पड़ेगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले पढ़ने या अकेलेपन से डरते नहीं हैं बल्कि वह अकेलेपन का उपयोग खुद को समझने और खुद के विकास में करते हैं। तेरहवां नियम,
मानसिक रूप से मजबूत लोग इस बात की उम्मीद नहीं रखते कि हाथों हाथ परिणाम मिल जाएंगे, व्यापार में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में या फिर कहीं पर भी। अगर कोई आदत बदलनी है तो ये उम्मीद लगा के नहीं बैठते कि एक ही बार में परिणाम मिल जाएंगे। ये समझते हैं कि बड़े बदलाव लाने में समय लगता है, इसीलिए ये लंबी योजना बनाकर पूरे धैर्य से काम करते हैं। तो ये थी वो 13 गलतियाँ जिन्हें तुम करना बंद कर दो तो तुम भी एक मजबूत मानसिकता वाले इंसान बन जाओगे और तुम्हारी 90% से भी ज़्यादा समस्याएँ सिर्फ तुम्हारे मानसिक रूप से मजबूत होने पर ही समाप्त हो जाएगी। इतना कहते हुए गुरु ने अपनी बात समाप्त की। शिष्यों को भी 13 गलतियों के बारे में पता चल चुका था जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। उसने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और अपने काम में लग गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।